Good evening, everyone. Once again, I welcome you all on Wi-Fi Study UPSC, where changing the way of learning is our motto. So, फटाफट सभी लोग connect हो जाएं. साल के आखिरी दिन में हमारा आखिरी session, of course, इस साल का, ठीक है? अभी हम लोग बात करेंगे. सभी लोग आजिए फटाफट पहले connect हो जाइए. अपने session को like और share जरूर कर दीजिए. जितने भी लोग हम लोग हैं, so please share it to the maximum people because we are going to discuss a very important topic. That is Uniform Civil Code. हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा समान नागरिक संहिता. अभी ये समान नागरिक संहिता के ऊपर बात करने का पर्पस क्या है अपने इस शो में, उसका रीज़न ये है. सितंबर में 13 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कुछ वर्डिंग्स आई हैं, उसके आलोक में हम लोग इसको बात करना चाहेंगे. दरअसल क्या है, एक मामला ये था कि एक गोवा के एक जो डोमिसाइल हैं उनका, गोवा के बाहर कुछ प्रॉपर्टी थी उनकी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी थी उनकी, उनको लेकर डिस्प्यूट हो गया था उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में. तो आपको शायद मालूम होगा कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है. मैंने बता भी रखा है आप लोगों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो मैंने आपसे बताया था कि गोवा भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है ना. तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आपको मालूम है कि कई चीज़ें कवर की जाती, जिसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मामला भी शामिल होता है, ठीक है. तो इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि जो यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का पीछे का कारण क्या है, ये हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया. आपको शायद मालूम होगा ये कि गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगालियों से हमने इसे प्राप्त किया था. और यहाँ पर 1867 का लॉ है, पुर्तगीज सिविल कोड, जो कि उनके जाने के बाद, पुर्तगालियों के जाने के बाद भी वहाँ पर में लागू था. इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इसमें हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि पुर्तगीज सिविल जो कोड है ऑफ 1867 वुड गवर्न सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गोवंस इवन इफ आउटसाइड द स्टेट, ठीक है. यानी कि अगर गोवा के बाहर भी कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का अगर कोई मामला है तो उसके ऊपर भी जो पुर्तगीज सिविल कोड है 1867 का, पुर्तगालियों का था, ये हमारे अंदर से नहीं है, अंग्रेजों का नहीं था, हमारा नहीं था, बल्कि पुर्तगालियों का जो सिविल कोड है वो 1867 के अंतर्गत वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग व्यक्ति हों, ठीक है ना, उन सबों के ऊपर लागू है. तो उन्होंने कहा कि कोई अगर गोवन है, यानी कि गोवा का व्यक्ति कोई है और उसकी प्रॉपर्टी अगर उस राज्य से बाहर भी है तो उसके ऊपर भी पुर्तगीज सिविल कोड 1867 एप्लीकेबल होता है. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर समान नागरिकता सिद्धांत का बातें रहेंगे, ठीक है ना. अब इसी में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर देख के आज पीपीटी तो नहीं है, मैं बताऊंगा फिर उसको समझाऊंगा आपको. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि देश के समान नागरिक जो आचार संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है को लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं, अभी तक कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के एक संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. जस्टिस गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गोवा बेहतरीन उदाहरण है, वहाँ पुर्तगाली सिविल कोड 1867 लागू है जिसके तहत उत्तराधिकार और विरासत का नियम लागू है. अदालत ने कहा कि यह देखने वाली बात है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डील किया गया है और उम्मीद की गई थी कि राज्य इसे लागू करने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी तक यह प्रयास नहीं हुआ है. अब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि आपको ये मालूम होगा कि हमारे यहाँ क्या है कि ये राज्यसभा टीवी का एक्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए पढ़ा है. अभी देखिए क्या है कि हमारे यहाँ, मैं कुछ चीज़ों की चर्चा कर लूँ कि जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, ये इसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग चार यानी कि पार्ट फोर के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना, 44 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना. सो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसका प्रावधान किया गया है. मैंने बताया कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, ठीक है. हमने बताया कि देखिए दो तरीके के मैटर होते हैं हमारे पास, एक होता है क्रिमिनल मैटर और एक होता है हमारे पास सिविल मैटर, ठीक है ना. एक होता है क्रिमिनल मैटर और एक होता है सिविल मैटर. सिविल मैटर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इन जनरल लोग बात करें तो पर्सनल लॉज आते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, बच्चों का एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, समान नागरिक संहिता नहीं है. समान नागरिक संहिता नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ, अगर हम लोग बात करें, अभी हम चर्चा डिटेल में करेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको ओवर भी दे दूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस कोई भी हैं, तो इन सबों का क्या है, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन लोगों के अपने क्या है, पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉ है इनके पास,
क्या है, इनके पास पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, पर्सनल लॉज हैं। क्रिश्चियन के पास भी पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ है, ठीक है, पर्सनल लॉ है, ठीक है, हमारे पास सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। सो इनके पास सभी का सभी, इनके पास पर्सनल लॉ है, यानी कि इनके यहाँ शादी विवाह ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, बच्चों को अडॉप्ट करने का जो कंडीशन है, वो पूरे के पूरे कम्युनिटी में सब में अलग अलग किया गया है। बोला गया कि अगर हम लोग इस प्रिंसिपल पर काम करें कि वन कंट्री वन नेशन वन लॉ, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं खंडित होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। राइट टू इक्वालिटी आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है, समानता का अधिकार की बात की गई है, कानून के समक्ष समानता के अधिकार की बात की गई है। आपने भी देखा होगा हाल हाल में हमारे बहुत सारे मसले हुए हैं पिछले कुछ वर्षों के अंतर्गत, जहाँ पर हमने देखा ट्रिपल तलाक की बात हुई है, हमारे यहाँ विवाह को लेकर, डिवोर्स को लेकर के इसमें क्या यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अगर हमें विकास करना है तो महिला और पुरुष दोनों समान होने चाहिए। दूसरी ओर संविधानिक प्रावधान ये कहता है कि हम सभी इक्वल हैं, चाहे वो लैंगिक आधार पे हो, चाहे वो हम संप्रदाय के आधार पर, किसी भी आधार पर हमें समानता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिंग के आधार पर देखें तो हिंदू महिलाओं के कुछ अधिकार हैं और मुस्लिम महिलाओं के कुछ अन्य अधिकार हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कम है, हिंदू महिलाओं के अधिकार ज़्यादा है। ऐसा क्यों? जब सभी लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहे हैं तो यहाँ पर जो समानता का अधिकार का सिद्धांत है वहाँ उसका उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ मामले हैं जिसको लेकर के यहाँ पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बार इस मामले में डीपीएसपी को लेकर उन्होंने खास करके उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में, इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में उन्होंने कई बार अपने अपने बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। अपने क्योंकि वो उसमें जजमेंट देना नहीं चाहती है, क्योंकि जो मैटर है ये बिल्कुल सरकार का मैटर है, ठीक है ना। साहबानो केस में भी उसने कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट्स अ डेड चैप्टर, एक तरह का डेड चैप्टर हो चुका है, मतलब एक तरह का ये कमेंट था कि इसके ऊपर में ये बात कही गई थी कि जब हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया है, जब हमारा हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, उसके लागू होने 1956 में लागू हुआ था, उसके बाद भी 1956 में लागू होने के 63 साल के बाद भी आज तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो कई मामले में, कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात में इंटरवीन करने से कतराती रहती है, ठीक है ना। हाँ, जब कोई मुद्दा उनके पास अगर आता है, अपीलेट में अगर आता है, अपील के दौरान आता है, तो उसके बाद सुनवाई करती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी दिशा निर्देश जारी करने का वो जैसे वो कोशिश नहीं करती है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इसी आलोक में हम लोग अभी बात करना शुरू करें, ठीक है, थोड़ा सा कि कई जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कई मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ पहले। अभी मैंने आपसे बताया कि संविधान के भाग चार का के अंतर्गत हमारे यहाँ क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है, यानी कि पार्ट 4 आर्टिकल 44। अब ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है, मतलब इसका जो परिचय क्या है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो पहली बात तो है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल इसके इंट्रोडक्शन से समझ गए कि इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता क्या है। तो देखिए, दरअसल क्या है कि भारत में जो अधिकतर जितने भी कानून हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है ना, वो धर्म के आधार पर तय किए गए हैं, धर्म के आधार पर तय किए गए, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर्सनल लॉज हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के व्यक्तिगत कानून हिंदू लॉ के द्वारा क्या होते हैं, वो गवर्न होते हैं, ठीक है। हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध, हिंदू मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, इन सबों के ऊपर जो इनके हैं, ये सब के सब, ये चारों के चारों जो हैं, ये क्या होते हैं, हिंदू लॉ से, हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। 1956 हिंदू जो हमारे यहाँ है, ये हिंदू लॉ से क्या है, गवर्न होते हैं। सो ये चारों के चारों जो कम्युनिटी है, ये चार कम्युनिटी, ये गवर्न होती है किसे, हिंदू लॉ के द्वारा, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे, गवर्न होती हैं, गवर्न, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो सिख हैं, सॉरी सिख कहते हैं, मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, इन सबों के अपने पर्सनल लॉज हैं, व्यक्तिगत कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं, इसका अलग है और इसका भी अलग है, अपना पर्सनल लॉज है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चर्चा करें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ हिंदू
हिंदू लॉ के अंतर्गत जो आ गए हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू लॉ के अंतर्गत कौन कौन से जो भी कम्युनिटी हैं वो गवर्न होते हैं। तो हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट ये सारे के सारे क्या है, ये आपके क्या है हिंदू लॉ 1956 से गवर्न होते हैं। जबकि क्या है कि ये जो मुस्लिम्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास अपने क्या है अपने अपने के व्यक्तिगत कानून हैं, ठीक है ना, यानी कि पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। हम लोग आपने कई बार सुना होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं, सो एक तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, आर्टिकल 44 पार्ट 4, ठीक है ना, भाग 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है और इसका मतलब क्या हो गया ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो हिंदू लॉ से इन चार चीज़ें और मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंतर्गत, यानी पर्सनल लॉज के अंतर्गत मुस्लिम्स और उनके क्रिश्चियंस के अपने पर्सनल लॉज, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज अलग है, ठीक है ना, इन सब इन्हीं कम्युनिटी के लिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि जो समान नागरिक संहिता है यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर संविधान सभा में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है ना, क्या वाद विवाद हुआ है, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। देखिए क्या है कि अभी हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है कि जो कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और विविध सांस्कृतिक प्रथाओं तथा जो सामंजस्य है उसको स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। और इसी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये कथन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो समान नागरिक संहिता है वो जो है सो हमारे लिए क्या है वांछनीय है, यानी कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिलहाल जो इसे क्या रखना चाहिए, इसे स्वैच्छिक करना चाहिए। इनका मतलब ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था यूसीसी के बारे में, यूसीसी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसके बारे में डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, अम्बेडकर साहब उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ क्या है इट इज डिजायरेबल, ये होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, ठीक है, ये वांछनीय है हमारे यहाँ, ठीक है, ये क्या होना चाहिए वांछनीय है, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन आठ परसेंट हम क्या है अभी उस समय का जो कंडीशन है देखते हुए सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए हमारे यहाँ क्या है कि अभी हमको इसको क्या करना चाहिए, इसको अभी हमें स्वैच्छिक रखना चाहिए, इसके वॉलंटरी रखना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर किसी भी तरीके से करना चाहे तो ये उस धर्म के ऊपर ही रहना निर्भर करना चाहिए कि अपने पर्सनल लॉज के अंतर्गत चले या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चले। तो इसको बोला गया कि स्वैच्छिक, और ये शायद उस वक्त अच्छा एक प्रयास भी था कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी थी उसके बीच में यूनिटी को क्रिएट करने का, ठीक है ना, कोई भी ऐसा संप्रदाय ना हो जो अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस करे और बहुसंख्यक के साथ मिलने की जो है सो के बीच में कोई भी रुकावट, यानी कि जो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मजबूत करने के लिए ये बात उस वक्त ठीक थी। इस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि वांछनीय है ये मामला जो है ये वांछनीय है, लेकिन फिलहाल इसको क्या करना चाहिए, इसको स्वैच्छिक रहना चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये जो स्टैंड उन्होंने लिया था संविधान सभा में वो आज तक कंटिन्यू किया है, ठीक है ना। आपने डीपीएसपी में देखा यूसीसी कहाँ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 में है, और आर्टिकल 44 में इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं, आर्टिकल 37 ये कहता है, आर्टिकल 37 का ये क्लॉज है कि इट कैन नॉट बी इनफोर्स थ्रू द कोर्ट, ठीक है ना, कि जो डीपीएसपी है उसको हम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर सकते, इसका मतलब यूसीसी को भी हम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर सकते, जबकि इसके दो अन्य प्रावधान भी, इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 44 ये स्वैच्छिक है, आप इसको चाहें तो लागू कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना लागू कर सकते हैं, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये डिजायरेबल है और इसको अभी क्या रखना चाहिए, स्वैच्छिक रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यूसीसी, लेकिन अभी स्वैच्छिक रहे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले, 1950 में संविधान लागू हो गया, 56 में जो है सो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इसके बावजूद भी, उसके बाद भी 63 मतलब लगभग 70 साल के बावजूद भी हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता नहीं हो सका है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि अगर हम एक राष्ट्र हैं तो हमारे देश में एक कानून भी होना चाहिए, ऐसा ये बात कहा गया। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की बात भी होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, ठीक है, और हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। और आपको मालूम है जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बात करें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पर्सनल लॉज हैं इनफैक्ट वो सारे के सारे शरीयत से चलते हैं, शरीयत जो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उससे चलते हैं। अगर उनका इस्लाम जो इस्लामिक लॉज हैं अगर वो से अगर चलते हैं उनके पर्सनल लॉज, तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि इससे समान नागरिक संहिता से क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी होगा। तो इसकी वजह से मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, ठीक है ना।
कि अगर मान लें कि आपके यहाँ धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात की गई है और आपको सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ वो क्या है, वो शरीयत से चल रहा है, शरीयत मतलब इस्लामिक कानून, ठीक है ना, सरा से चल रहा है, ठीक है। अगर वहाँ से उसके हिसाब से वो गाइडेंस लेकर अगर वो अपने जो भी उनके कस्टम्स हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव हैं, अगर उनको लेकर चल रहे हैं, और अगर आपने समान नागरिक संहिता बना दिया, यानी सबके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू कर दिया, तो इसका मतलब उनका ये कहना है कि ये जो मामला है ये हमारे क्या है कि यहाँ पर में जो हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं धर्म को लेकर के, धर्म के का जो अधिकार है उसका इसके ऊपर हनन हो रहा है। तो मैं यहाँ एक चीज़ और भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि हमारे संविधान में, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, अब देखिए इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एक थोड़ा टेक्निकल बात है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कभी भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए साहब, हमारे संविधान में कहा गया धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, हमारे धर्म के बीच में किसी के साथ जिसके जिसके जो हैं उनको अपने प्रैक्टिस करने की बात की गई है, लेकिन स्टेट और रिलीजन में यहाँ पर एक फ़र्क समझना पड़ेगा हमें। आपने धर्म के आधार पर ये बातें तो कर दी, अगर आप यूसीसी लेके आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू करूँ, यानी कि समान नागरिक संहिता की अगर बात करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया, तो आपके यहाँ है क्या कि अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अगर आप आ गए, सभी पूरे देश में अगर लागू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग को कहते हुए आपने सुना होगा कि आपको क्या करना होगा कि जो शादी विवाह का रस्म और रिवाज होगा वो सबका सब एक होगा। और कुछ लोग जो एंटी जो सोशल एलिमेंट है उनका ये कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मुस्लिमों को भी, क्रिश्चियंस को भी क्या करना होगा, हिंदू के तरीके से साथ फेरा लेना पड़ेगा। नहीं, ये बात गलत है, इस बात को समझें, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आपके जितने भी जो भी अपने प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप इस्लाम के अंदर हैं तो आप निकाह करेंगे, अगर आप हिंदू धर्म के अंदर हैं तो आप साथ फेरे लेंगे, क्रिश्चियनिटी में अगर हैं तो आप क्या करेंगे जो है सो चर्च में जाकर अपना विवाह करेंगे, ठीक है, जो आपके अपने जो भी रीति रिवाज हैं आप उसको फॉलो करेंगे, इसमें कोई कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जब आप शादी विवाह हो गया तो जो दो व्यक्ति हैं, मेल और फीमेल, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उन सबों के जो कंडीशंस होंगे ना, चाहे वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का हो, चाहे उनके राइट्स को लेकर के हो, यहाँ पर सारी चीज़ें समान हो जाएंगी। अभी तक क्या है कि आपके विवाह, शादी, कस्टम, ये सारी चीज़ें सब की क्या है, अलग अलग हैं। यूसीसी होने के बाद भी, समान नागरिक संहिता होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें अलग अलग ही होंगे। लेकिन एक बार जब आप शादी विवाह हो गया तो शादी होने के बाद जो हिंदू वाइफ के या हस्बैंड के राइट्स होंगे वही मुस्लिम वाइफ और हस्बैंड्स के राइट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी ट्रिपल तलाक के अंतर्गत आपने बोल दिया तलाक हो गया, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है, मेरी बात समझ पा। इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 14 हमारे यहाँ कहता है कि हमारे राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, जो समानता का अधिकार होना चाहिए, हमारे यहाँ जो बात कही गई है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक दो जेंडर के बीच में राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यूसीसी की अगर हम लोग बात करें, जो समान नागरिक संहिता की बात करें, तो एक सकारात्मक कदम दिखाई देता है, ये कोई नकारात्मक नहीं है, नकारात्मकता इसमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो इस बात को अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करें, ये मेरी चर्चा परीक्षा के मद्देनजर है, ठीक है। तो अगर आपको कभी ये कहना पड़े तो आप ये कहेंगे कि यूसीसी अगर पूरे देश में अगर कभी पूछ ले कि क्या यूसीसी होने से, पूरे देश में समान नागरिक संहिता होने से, वन नेशन वन लॉ होने से, इसके ऊपर में हमारे यहाँ जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आपके पास तब भी ये अधिकार होगा। बस ये चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के इरादे से ही समान नागरिक संहिता को लाया गया है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है कि आप विमेंस का राइट को कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के एरा में हैं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, हमारे लॉ की बात हो गई, हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के एरा में हैं, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कितना बड़ा इशू है। आज अगर आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, तो आप मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, कोई आपके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, कोई किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, बस ये बात हो रही है कि किसी भी धर्म विशेष के अंतर्गत अगर किसी तरीके का दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव है तो उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। और वैश्वीकरण में आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के को कितना तरजीह दिया जा रहा है, तो हमें भी ह्यूमन राइट्स का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट हर लिहाज से करना चाहिए। तीसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि हम विकास के क्रम में चल रहे हैं, और विकास के क्रम में महिला और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी क्या होती है, दोनों की भूमिका क्या है, वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और अब जब तक आप महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अगर उनको इक्वल राइट्स नहीं देंगे, या अगर मैं बात करूं कि पूरे कंट्री में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों का इक्वल राइट अगर नहीं होगा, तो कैसे हम उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके दिमाग में ये जो भ्रम हो सकता होगा रहा होगा कि यूसीसी को लेकर के कि आपके धर्म के ऊपर में, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर में कोई अत्याचार हो रहा है या कोई
ये क्या कहते हैं, कोई इंक्रोचमेंट अगर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप अपने ही रीति रिवाज से अपने कस्टम को आप फॉलो करेंगे, यूसीसी आने से आपको कोई अपने कस्टम को फॉलो करने से रोकता नहीं है, लेकिन शादी विवाह के बाद या आप किसी भी रिलेशन में आ जाने के बाद जो भी लॉ होंगे वो हर किसी के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी के साथ, किसी वुमेन के साथ या किसी बच्चे के साथ अगर कोई भेदभाव अगर हो रहा है तो उसको समाप्त कर दिया जाए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट, ठीक है। आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं डिबेट के ऊपर में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट था उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो यूसीसी है इसे हमें क्या होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए, डिजायरेबल है हमारे कंट्री में, ये होना चाहिए, ठीक है, हमारे कंट्री में होना चाहिए। लेकिन इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे हम लोग स्वैच्छिक रखेंगे, स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी होगा, ठीक है ना। जो इसको, जो भी स्टेट अगर चाहे अपने इसको कानून बना करके इसको लागू कर सकती है, जो ना चाहे उसको नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं ये, तो एक डिबेट तो ये था इस संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को लेकर के। दूसरी तरफ एक बात है कि जो लॉ कमीशन है उसका मानना है कि लॉ कमीशन बनाया गया था 2016 में भी बनाया गया था, ठीक है, यूसीसी के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए। तो लॉ कमीशन का ये मानना है कि उसने जितने भी बातें तर्क वितर्क को समझा अध्ययन किया, उन्होंने एक बात कही सामने में कि जो संविधान सभा है उसके अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत जो सदस्य थे उनके बीच में ही समान नागरिक संहिता को लेकर एक मत नहीं थे लोग। देर वॉज नो कंसेंसस एट ऑल ओवर द यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो देर वॉज नो यूनानिमिटी ओवर यूसीसी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। कुछ सदस्य ऐसे थे जिनका ये मानना था कि जो यूसीसी है यानी कि समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना, वो व्यक्तिगत कानून प्रणाली के साथ सह अस्तित्व में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पर्सनल लॉज भी हों और साथ साथ आप को एग्जिस्ट करवाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है ना। कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो दिस वॉज अ डिबेट, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये। और कुछ लोग इस बात से भी थे, इतफाक रखते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्म के ऊपर में क्या है, कुठाराघात हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का मानना था कि इसको पर्सनल लॉज को हटा देना चाहिए, यानी दोनों ही बातें थी। एक तो क्या, तीन पॉइंट हो गए, एक तो ये चाह रहा था कि पर्सनल लॉज कंटिन्यू करें, दूसरा चाहता था कि पर्सनल लॉज डिसकंटिन्यू करें, और तीसरी बात थी कि कुछ ऐसे पक्षकार भी थे जिनका ये मानना था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, वो पर्सनल लॉ के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये, क्योंकि ऐसा कुछ यूसीसी के अंदर ये बातें भी थी कि कुछ लोगों का मानना था कि जो यूसीसी होगा ना, वो जैसे भी मैं बात कर रहा था कि वो धर्म की स्वतंत्रता से इनकार करता है, धर्म की स्वतंत्रता से इनकार करता है, सो इट डिनाई योर रिलीजियस राइट्स, ठीक है। लेकिन ऐसी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी कि ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। सो इसी अनिश्चितता की स्थिति में ये जो सारा का सारा जो कन्फ्यूज़न था, जो अनसर्टेंटीज थी, उसी की वजह से जो हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता है उसको फंडामेंटल राइट में ना रख करके डीपीएसपी में रख दिया गया। तरजीह किसको देते हुए, इट शुड बी वॉलेंट्री, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि संविधान के लागू हो जाने के बाद जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में कुछ मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कानून बना के पूरे देश में इसको लीगलाइज कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर देंगे, वन नेशन वन लॉ बना देंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, मेरी बात समझ पा रहे, डिबेट का मतलब समझ में आ गया। एक तो बात ये थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का कहना था कि वांछनीय है बट इसको अभी स्वैच्छिक होना चाहिए, इसको वॉलंटरी होना चाहिए। दूसरा डिबेट ये था, कुछ लोग चाहते थे कि पर्सनल लॉज खत्म हो जाएं, कुछ लोग चाहते थे पर्सनल लॉज रहें, कुछ लोग चाहते थे कि पर्सनल लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड को एग्जिस्ट करें, ठीक है। ये तीनों बातें थी, ठीक है ना, ठीक है, तीनों बातें थी। सो इसका मतलब क्या है, इन सारे माहौल में अगर देखेंगे, इन विचारों को देखेंगे, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन का स्टेट था, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट की जगह कहाँ रखा गया, डीपीएसपी में रखा गया। और ये प्रेरित आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है, जब इन्होंने ये कहा कि ये वांछनीय है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये वांछनीय है लेकिन इसको अभी स्वैच्छिक होना चाहिए। इसी वजह से इसको अभी वर्तमान में क्या रखा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया था, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं रखा गया था। अब ये आधार भी आप समझ पा रहे हैं, कभी आपको इस तरीके की बातें अगर अपने आंसर में करना पड़ेगी, क्या वजह थी कि इसको डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया, ना कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो इसके पीछे आप ये अपने तर्क को दे सकते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन का माहौल था, जो अनिश्चितता का माहौल था, जिसकी वजह से जो है सो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इसको हम लोगों ने क्या किया, डीपीएसपी में रखा, ना कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, ठीक है, हो गया सारे लोगों का।
अब जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है डिबेट का, वो भी मैंने आपसे ब्रीफली जिक्र कर दिया, फिर से मैं एक बार दोहरा भी दूंगा आपको, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया कि जो वर्तमान में जो बहस चल रही है पर्सनल लॉ को लेकर के, एक है कि उसको कहा गया है कि पर्सनल लॉ की जगह एक कॉमन लॉ हमारे यहाँ होना चाहिए। बात तो हो रही है, सही बात है, वन नेशन वन लॉ की बात हो रही है, ठीक है। अब व्यक्तिगत कानून में मामले क्या क्या आते हैं ये भी फिर से मैं जिक्र कर दूँ आपको, शादी ब्याह जिसको बोलते हैं, डिवोर्स, गोद लेना, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, उत्तराधिकार का जो रीति रिवाज है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत लॉ के अंतर्गत के बीच आती हैं। एक सामान्य कोड के पक्ष में जो लोग हैं उनका तर्क है कि इससे धर्मों के बीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो उससे जो बीच में जो धर्म को लेकर के लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। मैंने बताया जैसे कि मुस्लिम महिलाओं को ले लें और हिंदू महिलाओं को ले लें, तो उनके बीच का जो आप देखेंगे कि जो राइट्स को लेकर जो जो इनइक्वालिटी है वो समाप्त हो जाएगी, एक खेमा का कहने का ये मतलब है, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हैं। दूसरा एक बात है कि धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए और विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 14 है, ठीक है ना, ये आर्टिकल है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होने से क्या होगा, ये रोकेगा यूसीसी अगर आ जाता है तो, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ क्या है कि कुछ जो क्रिटिक हैं, जो आलोचक हैं, जो डिट्रैक्टर्स हैं, उनका यह मानना है कि जो यह धार्मिक विविधता वाले इस देश की विशिष्टता को समाप्त कर देगा। आप जानते हैं कि इंडिया का एक अपना आइडेंटिटी है, वो क्या है, इसकी धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। अगर हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, ये आलोचकों का कहना, ये मेरे विचार नहीं है, आलोचकों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, अगर हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता आ गई, तो हमारे यहाँ जो धार्मिक विशिष्टता है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी का यूनिकनेस है, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे वन लॉ वन कंट्री का। लेकिन ऐसा इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और इसकी चर्चा मैंने आपसे अभी आगे कर ही दी है, ठीक है ना, कि ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। आपको अपने कस्टम्स, अपने प्रैक्टिसेस, अपने बिलीफ को करने से कोई नहीं रोक रहा है। बस यही बात है कि जो संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, उसको इंश्योर करने की चेष्टा हो रही है यूसीसी के थ्रू, ठीक है। सो मैं उसका पक्षकार हूँ, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। फिर इसी वजह से उनका ये कहना है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसका उल्लंघन होगा, ठीक है। सो ये आलोचक है, उनका ये कहना है, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर अनुच्छेद 25 का उल्लंघन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र की में जो हर किसी के हक की बात की जाती है उसकी हत्या की जा रही है, ठीक है ना। उनका अपना पक्ष है, ठीक है, ये उनका ये कहना है। सो धर्मनिरपेक्ष राज्य आखिरकार धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के संवेदनशील मामलों में अवरोधक के बजाय अधिकारों का क्या होता है, ये प्रवर्तक होता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए, ठीक है ना। सो इस बात को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अगर कोई सेकुलर कंट्री है तो यहाँ अगर हम यूसीसी की बात अगर कर रहे हैं तो इसको हम ये ना समझें कि धर्मनिरपेक्षता जो है यहाँ, मतलब ये यूसीसी है वो धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के जो संवेदनशील मामले हैं उनके बीच में किसी तरह का अवरोधक का काम करेगा, बल्कि उसको प्रमोट करने का काम करेगा, ठीक है, प्रमोशन का काम करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धर्म और व्यक्तिगत कानून, ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अब एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि जो लॉ कमीशन आया था उसका अपना कुछ मुद्दा था, तो जो उसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। रिकमेंडेशंस क्या थी इसको समझिए पहले, देखिए क्या है। लॉ कमीशन जो बनाया गया था 2016 में, उसने ये कहा था कि इसका इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 2016 में जो समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए एक लॉ कमीशन को गठित किया गया था, ठीक है, गठन किया गया, ठीक है। तो विधि आयोग ने ये कहा कि जो यूसीसी का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, ये जो मुद्दा है इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के तहत, मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 24 और 25, अनुच्छेद 14 और 25 के बीच में द्वंद्व है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 25, ठीक है ना। देयर इज कैसे है, तो 14 में क्या करा है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार की बात हो रही है और 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई, ये मानना है। और एक बात और भी है जो विधि आयोग ने कहा कि विधि आयोग के अनुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाले समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए, इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें, ठीक है ना। उसका ये कहना था कि लॉ कमीशन ने यह कहा कि कोई भी अगर कहीं पर कोई अगर ऑर्थोडॉक्सिज्म है, कोई इरेलेवेंट प्रैक्टिसेस अगर है,
और इसके वजह से हमारी सोसाइटी में अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है या किसी तरह का कि इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो उसकी समीक्षा होनी जरूरी है। बस इतनी बात उसने कही है, हालांकि इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वहां पर एक चीज़ है जिसका रीइंटरप्रिटेशन होना जरूरी है कि उसने ये कहा था कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी उसको डाइवर्सिटी जो जो रिलीजियस डाइवर्सिटी उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक चीज़ बहुत रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब कि जिसके जो जो लॉज हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उसने एक बात ये कही है। लेकिन वहाँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत यह भी है कि अगर आप बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब, तो यहाँ पर इसका मतलब इसको ना समझा जाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी के नाम पर आप किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसने रिलीजियस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात भी कही है, हालांकि समीक्षा करने की बात कही कि अगर किसी भी धर्म संप्रदाय क्रीड में अगर कहीं पर में कोई बिलीफ है, कोई प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, जिसके वजह से लोगों के बीच में अगर असमानता अगर दिखाई दे रही है, असमानता अगर दिखाई दे रही है तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उसने कहा कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक चीज़ ये भी है कि उसको थोड़ा सा हम लोग नैरो होकर ना सोचें बल्कि थोड़ा ब्रॉड होकर के सोचना चाहिए कि वहाँ पर मैं जो रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो वन इज गोइंग टू डिनाई दैट कि हमारे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो हमारी पहचान है, दैट इज आवर आइडेंटिटी, दैट इज आवर यूनिकनेस, बट उसको डिस्क्रिमिनेशन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मुद्दे डिस्कशन में रहे हैं, उसमें तमाम मामले आए हैं। आपने देखा होगा कि जो ये सारा डिस्कशन का मुद्दा था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने मंतव्य जाहिर किए हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो साहबानों का केस था 1985 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो समान नागरिक संहिता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट्स अ डेड लेटर। ऐसे ही सरला मृदुला केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है, सरला मृदुल केस है, उसमें भी ऐसे ही स्टेटमेंट उन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहती है कि इसके ऊपर कानून बने, लेकिन वो कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथों में लेना नहीं चाहती है, विधायिका के कार्यों को अपने हाथों में लेना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि संसद इसके ऊपर में कोई निर्णय ले, कोई ठोस निर्णय ले और कानून बनाए और पूरे देश में वन लॉ वन कंट्री का जो नेशन है उसको क्या करे, वो इस्टाब्लिश करे। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, इज इट ओके, इतनी बात स्पष्ट है। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ लास्ट में मैं कुछ कंक्लूडिंग लाइन बोलना चाहूँगा आपसे कि देखिए क्या है कि समान नागरिक संहिता, मैं एक निष्पक्ष अपना एक विचार रखना चाहूँगा यहाँ पर, यह है कि समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए इस उद्देश्य से कि एक राष्ट्र है, एक कानून हो, एक राष्ट्र है और एक कानून होना चाहिए। देर शुड बी वन नेशन एंड वन लॉ कैन एंड फॉर दैट मैटर एंड फॉर दैट से वी कुड इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम चाहते हैं कि वी विश टू ब्रिंग इन और इंश्योर इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल पर्टिकुलरली ओवर द इशू ऑफ इनहेरिटेंस, तो भी हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। नंबर वन, वन नेशन वन कंट्री। दूसरा कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोनों धर्मों के बीच में लेकर के, ठीक है ना। और तीसरी बात ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबों के बीच में इक्वालिटी हो, लेकिन इन सबों को लागू करने के वक्त हम ये देखें कि कहीं पर जो हमारा जो सेकुलर हमारा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कंट्री का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट, द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री कुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। सो आई बिलीव कि आप यूसीसी, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यूसीसी जो लाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पुर्तगाल, जो आपका गोवा में है, वो हमारी वजह से नहीं है बल्कि ये पुर्तगाली लॉज थे। जब पुर्तगाल था वहाँ पे, पुर्तगाली कंट्रोल था वहाँ पे, नियंत्रण था वहाँ पे, तो उन्होंने अपने यहाँ का सिविल कोड वहाँ पर लागू कर रखा था, उसी को उन लोगों ने कंटिन्यू कर लिया। सो एट प्रेजेंट हमारे पास ओनली वन स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, नॉट जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और बाई आवर गवर्नमेंट्स, रादर ये पहले ही एक लीनियस था। जैसे हमारे पूरे ईस्ट इंडिया में आप देखें ब्रिटिश लॉज चलते रहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर पुर्तगीज लॉज चल रहा था, उसे हमने छेड़छाड़ नहीं करा पुर्तगाल की सरकार ने, सॉरी ये गोवा की सरकार ने, और वो हमारे यहाँ कंटिन्यू है कब से, 1867 से पुर्तगीज सिविल कोड है वहाँ पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आया होगा, इसके जो भी इंटरकेसीज हैं जो भी हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और इससे आप कभी भी कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में बनता है पीटी या मेंस में तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। सो इसी के साथ मैं अपने इस जो अभी डिबेट का डिस्कशन का सेक्शन था इसे मैं समाप्त करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा, और फिर से एक बार आपको दोहराना चाहूँगा कि साल का अंतिम दिन है आज, अपने क्लास का इस साल का अंतिम, मेरी तरफ से मेरी क्लास भी है,
मैं चाहूँगा कि आप जब अगली सुबह उठें, नए नववर्ष में उठें, नूतन कल्पनाओं के साथ उठें, तो एक अपने अंदर एक रिजॉल्व लेके चलें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी भी कहूँगा, एक डिटर्मिनेशन रखें। डिटर्मिनेशन ये कि किसी भी कीमत पे हमें क्या करना है, हमें अपनी जो जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है, और उसे जैसे भी होगा उसे हम पूरा करेंगे। और APJ अब्दुल कलाम साहब का जो मैंने कोट आपको दिया था उसको ज़रूर याद रखिएगा, सपने वे होते हैं, वे नहीं होते जिसको हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सो UPSC ऐसा ही कुछ होना चाहिए। सो चलिए अगले वर्ष में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय। जब एन्जॉय का समय रहे, एन्जॉय फुल। तो चीयर्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।